नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने चैनल का कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो की सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कैसे आप अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद फिर आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे ये है यूट्यूब अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका यूट्यूब अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे अभी मेरा कोई भी यूआरएल नहीं है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कस्टम यूआरएल की जगह पे आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यू आर एल क्लेम इट हेयर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आप तब क्लेम कर सकते हैं जब आपके 100 सब्सक्राइबर के ऊपर हो जाएं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम इस पर क्लिक करना है आपको, और इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक मेरे चैनल का नाम आ गया। आप ज्ञानी हिंदी रखना चाह रहे हो या ये वाला रखना चाह रहे हो, हम इसी पर जो है इसी पर कर देना है, ज्ञानी हिंदी पर ही, ठीक है। आई हैव पे आपको क्लिक कर देना है चेकबॉक्स पर, और चैनल यू आर एल पे आपको क्लिक कर देना। कंफर्म है, अब यहाँ कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आप कंफर्म हो, आपका यही नाम होना चाहिए, मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे मेरा कस्टम यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर देखिए मेरे चैनल का नाम यहाँ पे बन गया। अब मैं आपको दिखा दूँ पहले कि ये मेरा यूआरएल बना है या नहीं। यूट्यूब स्टूडियो पर आपको जाना है, उसके बाद आपको फिर से वो सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको चैनल पे आना है और एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ आना है आपको यूट्यूब अकाउंट पे, ऐसे आपको अपना यूआरएल चेक कर लेना है बन गया या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है, और ये देखिए ये मेरा यूआरएल बन चुका है, ठीक है। www.youtube.com/ज्ञानी हिंदी, ठीक है। और ये जो बीच में सी है ये तब हटता है जब आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब हटता है, ठीक है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपने गलती से कोई कस्टम यूआरएल बना लिया है तो उसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे आना है और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और गो टू अबाउट मी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको अबाउट, ये देखिए अबाउट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका वो यूआरएल दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको रिमूव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे रिमूव यूआरएल, रिमूव पे आपको क्लिक कर देना है। और अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ मेरा जो यूआरएल है वो रिमूव हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं अब कोई भी यूआरएल नहीं रहा अबाउट के पास। और यहाँ पर आएँगे और हम यहाँ इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश के बाद देखेंगे आप मेरा यूआरएल यहाँ से गायब हो चुका होगा। ये देखिए यू आर एलिजिबल है कस्टम यूआरएल, मतलब फिर मुझे कस्टम यूआरएल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ऐसे ही नॉलेज की वीडियो चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।